भारत में मांसाहारी और शाकाहारी लोगों को लेकर बहस चलती रही है। पिछले दिनों नवरात्र में नॉनवेज का सेवन करने को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था और कुछ संगठनों का कहना था कि इस दौरान मांस की बिक्री और उसके सेवन पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही कुछ खास समुदायों पर नॉनवेज को लेकर आरोप भी लगाए गए, लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों में बताया गया है कि देश के 16 राज्यों में लगभग 90% लोग मीट मछली या चिकन खाते हैं। आज हम आपको मांसाहार के सेवन को लेकर कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं, जिसमें भारत के लगभग हर समुदाय के आंकड़ों को देखेंगे कि कौन कितने शाकाहारी है और कितने मांसाहारी का सेवन करते हैं। पहले सरकार के आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में बताया गया है कि 16 राज्यों में लगभग 90% लोग मीट मछली या चिकन खाते हैं। वहीं 4 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में यह आंकड़ा 75 से 90% चला गया है। सर्वे के मुताबिक 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 से 75% लोग नॉनवेज खाते हैं। राज्यों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 98.7% लोग मांसाहारी खा रहे हैं। वहीं इसके बाद तमिलनाडु में 97.8%, असम में 78.6%, दिल्ली में 63.2% और उत्तर प्रदेश में 55% और राजस्थान में 26.8%। इस सर्वे में बताया गया है कि अलग अलग धर्म के लोग मांस को लेकर भी अलग सोच रखते हैं। जैसे हिंदू समुदाय के ज़्यादातर लोग बीफ को अपने नॉनवेज खाने में शामिल करना पसंद नहीं करते। प्यू रिसर्च के सर्वे में बताया गया है कि 72% ऐसे हिंदू हैं जो ये मानते हैं कि अगर कोई बीफ का सेवन करता है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। वहीं 77% मुस्लिम मानते हैं कि सुअर का मीट खाने वाले मुस्लिम नहीं हो सकते। बीफ खाने को लेकर जैसे हिंदुओं की मान्यता है, वैसे ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी सोचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।